नंबर वन बर्ड्स। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं चिड़िया का खौफनाक मंजर। चिड़िया का झुंड पहले के मुकाबले आज बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसकी काफी हद तक वजह है इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, यहाँ चिड़िया की टोली मस्त गगन में सैर कर रही थी, तभी ये सब बिजली के खंभों और इसके तारों पर आकर बैठ जाती हैं। अभी तक तो इन तारों में कोई भी धमाका नहीं होता है, बल्कि जैसे ही ये मंडली घूमने के लिए निकलती है वैसे ही यहाँ तारों में ब्लास्ट हो जाता है और अब ज्यादातर चिड़िया तोड़ जाती हैं और थोड़ी ही इस धमाके का शिकार बनती हैं। ऐसे ही आपको एक और बर्ड का कारनामा दिखाते हैं। ये मैडम भी यहाँ दो खंभों के बीच बड़े ही आराम से गोवा बीच समझकर बैठी थी। इन खंभों में स्पार्कलिंग हो रही थी, ये देखते हुए भी ये बर्ड अड्डा जमाए बैठी रही। तभी अचानक से एक बिजली का धमाका हुआ और देखते ही देखते ये बर्ड इस दुनिया से ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। वाकई बिजली तो जानवरों के लिए कहर है। लगता है बर्ड्स की करंट से या तो खास दोस्ती है या फिर कट्टर दुश्मनी, क्योंकि ये हमेशा अपनी मौत के आसपास ही मंडराती रहती हैं। ये पूरी टोली इस जानलेवा तार के अगल बगल मंडरा रही थी और इन तारों में बिजली दौड़ रही थी। जैसे ही ये बर्ड्स यहाँ से जाने लगती हैं, वैसे ही इन तारों में आग लग जाती है और इस धमाके से सारी बर्ड्स नेस्तो नाबूद हो जाती हैं और पूरी की पूरी टोली जलकर राख हो जाती है। बर्ड्स को भी ना जाने तारों पर बैठने का क्या शौक होता है कि ये ज्यादातर तारों पर ही बैठकर अपनी पंचायत लगाती हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल था। पहले तो ये बर्ड्स एक साथ खुशी खुशी बैठी होती हैं, फिर एक बर्ड बैठे बैठे नीचे गिर जाती है क्योंकि इसको बिजली का झटका लगा था और इसका स्वाद लेकर ये बर्ड अपनी सांसें गवा देती है। नंबर टू, डॉग्स। अब बारी है डॉगी महाराज की, लेकिन इसका कारनामा देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ डॉगी महाराज मैदान में खेलने कूदने के लिए आए थे, लेकिन तभी ये पहुंच जाते हैं करंट वाले इलाके में और बड़ी ही शांति से वहां खड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही करंट इसे कब्जे में लेने की कोशिश करती है, वैसे ही ये डॉगी दम दबाकर भाग निकलता है। डॉगी को भी हर चीज में घुसने की बहुत खुजली मची रहती है, इसलिए तो ये डॉगी अच्छा खासा बैठा हुआ करंट के तारों से उलझने के लिए चला जाता है और तारों के ऊपर भौंकने लगता है। अरे डॉगी महाराज, अगर इस बाला ने पकड़ लिया तो छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। नंबर थ्री, कैट्स। ये बिल्ली मौसी तो लगता है आज कुछ ज्यादा ही खुश हैं, इसलिए देखिए कैसे ठुमक ठुमक कर मैदान में चल रही हैं और बड़े ही मजे से ये तारों के बॉर्डर के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। इस मासूम जानवर को शायद पता नहीं था कि ये जिन धागों से उलझ रही है ये इसकी मौत का सामान है, और जैसे ही ये तारों को छूती है वैसे ही इसे करंट लगता है और ये बिल्ली जल्दी से यहाँ से एक दो तीन हो जाती है। नंबर फोर, लेपर्ड। ये जंगली बिल्ली आज तो एफिल टावर पर चढ़ गई है और अब देखिए कैसे तारों से बचकर धीरे धीरे नीचे उतर रही है। वैसे सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये तेंदुआ इस ऊंचे खंबे पर चढ़ा तो चढ़ा कैसे। नंबर फाइव, चिंपैंजी। चिंपैंजी और बंदर को तो आप जानते ही हैं, ये कितने शरारती होते हैं और जहां इन्हें शरारत करने का मौका मिले ये वहीं चल पड़ते हैं। यहां भी तारों के खंभों पर ये चिंपैंजी चढ़ गया। चिंपैंजी का ये कारनामा देख सभी लोग यहां इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं कि चिंपैंजी को बिजली का झटका लगा और इसी वजह से वो नीचे गिर जाता है, लेकिन तार होने के कारण वो इन पर लटक जाता है और नीचे गिरते गिरते बच जाता है। पर इस चिंपैंजी की किस्मत अच्छी नहीं थी, इसलिए इसे दोबारा बिजली का शॉक लगता है और अब तो ये जमीन पर आ गिरता है और लोगों का झुंड इसे घेर लेता है। चलिए अब चिंपैंजी का दूसरा कारनामा देखते हैं। यहाँ तो तारों के बॉर्डर से कुश्ती करने वाले ये चिंपैंजी लगातार इसके साथ कुश्ती करते जा रहे हैं। जी हाँ, और ये कोई और नहीं चिंपैंजी महाराज ही हैं। लगता है इस चिंपैंजी को भी बिजली का झटका पहले जोर से लग चुका है, इसलिए ये खिलाड़ी इससे उलझने में लगा पड़ा है। और भाई इसके एक्शन को तो देखो, वो तो कमाल ही है। नंबर सिक्स, पिग। यहाँ पिग की टोली ना जाने इन तारों में कौन सा सोना निकालने की कोशिश कर रही है। देखिए कैसे सारे ही पिग मिलकर इन तारों से जूझ रहे हैं। अब भाई ये खेल ही मौत का है तो पिक्चर में ट्विस्ट आता है और ये बिजली अपना जादू इन्हें दिखाती है। उसे देखकर ये सारे पिग एक एक करके यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। नंबर सेवन, स्नेक। क्या आप जानते हैं कि जमीन का बादशाह किसे कहा जाता है? नहीं तो वो कोई और नहीं बल्कि नागराज ही हैं। लेकिन ये जमीन पर रहने वाले आज आसमान में क्या कर रहे हैं? ये सांप इस ऊंचे खंबे की सैर कर रहा है और ऐसे ही घूमते घूमते तारों के ज्वाइंट के पास चला जाता है और फिर होता है ब्लास्ट, जिससे इन तारों में आग की लपटें उठ जाती हैं और सांप इस आग का शिकार बन जाता है। इसी घमासान में यह खंबे से नीचे आ गिरता है। नंबर एट, हॉर्स। चलिए अब बारी आती है घोड़े राजा की, जो करंट का मजा चखने के लिए बेताब है। लेकिन ये खौफनाक मंजर देखने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ये घोड़ा यहाँ मैदान में तारों के आसपास घूम रहा था। पता नहीं इसके दिमाग में कौन सी खिचड़ी पकती है कि ये इन तारों को ही मुंह में रखकर चबाने की कोशिश करता है। ये तार बहुत ही खतरनाक थे, इसलिए घोड़े की हसरत पूरी नहीं हो पाती है, बल्कि उल्टा इसे करंट का मजा चखना पड़ता है और फिर यहाँ से ऐसे फरार होता है जैसे कि इसने करंट नहीं बल्कि भूत देख लिया हो। नंबर 9, मंकी। ये बंदर मामा तो तारों का ही झूला झूली समझकर उस पर आना जाना कर रहे हैं। ये टोरी अभी टहली लगी थी कि तभी तारों में धमाका होता है और इसका शिकार बन जाते हैं एक बंदर साहब, जो कि बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और नीचे गिर पड़ता है। ये बंदर नीचे आते ही जमीन पर चारों खाने चत हो जाता है। चलिए अब बंदर मामा के दूसरे हमले पर चलते हैं। ये बंदर बड़े ही शरारती होते हैं, इन्हें ना जाने क्यों मौत से खेलने में मजा आता है। इस बंदर को देखिए कैसे तारों पर उछल कूद करने में लगा पड़ा है और इन तारों को रस्सी समझकर एक दूसरे पर ये ऐसे वैसे भाग रहा है, लेकिन तभी धमाका होता है और ये बंदर जमीन पर आ गिरता है। नंबर 10, शिप। लगता है आज तो सारे ही जानवर इस बिजली का शिकार बनेंगे। ना तो ये बिजली बंदर को छोड़ रही है और ना ही नागराज इसके जाल से बच पाए हैं। और अब बारी आती है भेड़ की। ये भेड़ भी यहाँ तारों के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। इसके दिमाग की बत्ती जलती है और ये पहुंच जाती है इन तारों के बॉर्डर के पास और इन तारों को अपना मुंह घिसने के काम में लाती है। अब इसके कारनामे से इसको जो झटका लगता है वो देख कर एक ही मिनट में ये फरार हो जाती है। नंबर 11, काऊ। यहाँ छोटी सी गाय इस तार के पास अनजाने में आ जाती है और इसे जैसे ही टच करती है वैसे ही इस गाय को बिजली का झटका कैद कर लेता है और दूसरी तरफ इसकी टोली भी इन्हीं तारों की तरफ अटकने आ जाती है और फिर बिजली का बार देखकर यहाँ से भाग जाती है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा बिजली का बार सबसे खतरनाक लगा कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।